कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए फिर से एक ट्यूटोरियल वीडियो लेके आ चुका हूँ। जो आपने स्टार्टिंग में देख लिया, मैं उसी वीडियो का आपको ट्यूटोरियल इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप पुराने हो तो यार वीडियो कर दीजिए लाइक। दोस्तों, अगर आपको वाला वीडियो बनाना है तो बने रहना आपको वीडियो में तक। चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, बताते हैं आपको कैसे बनानी वाली वीडियो। हाँ तो चलिए अपना काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। दोस्तों, मैं काइन मास्टर का प्रो वर्जन यूज करता हूँ। अगर लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से मेरे वाला काइन मास्टर डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे तो यहाँ एक प्लस का ऑप्शन आएगा, तो आपको सिंपली प्लस पर क्लिक कर देना है। प्लस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे 3 रेशियो मांगे जाते हैं, तो आपको बीच वाला रेशियो ले लेना है, 9:16। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो फिर एक नया इंटरफेस खुलकर ओपन हो जाएगा। तो आप देखेंगे आपके राइट साइड के कॉर्नर पर एक मीडिया का ऑप्शन है, तो आपको सिंपली मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर एक फर्स्ट में ही ऑप्शन आता है बैकग्राउंड का, तो आपको बैकग्राउंड में चले जाना है। और जैसे ही आप ब्लैक कलर के बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपका बैकग्राउंड आ गया है। अब आपको नीचे वाले बैकग्राउंड पर क्लिक करना है, इस येलो वाले पार्ट पर क्लिक कर इसको 10 सेकंड बड़ा कर लीजिए, 10 से 11 सेकंड बस। फिर सिंपली आपको यहाँ से एक बार राइट कर देना है और स्क्रॉल कर आप स्टार्टिंग में आ जाइए। अब दोस्तों, आपको एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। अब उसको लाने के लिए सिंपली आपको यहाँ से लेयर में ही जाना है। आप जैसे ही लेयर पर टैप करेंगे तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, तो आपको फर्स्ट वाला ही ऑप्शन चूज करना है, मीडिया वाला। जैसे ही आप मीडिया पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आपकी गैलरी खुल जाएगी। फिर दोस्तों, वो आपकी वीडियो जहाँ भी हो आप उस वीडियो को वहाँ से ले लीजिए। मैंने अपनी वीडियो ले आया हूँ यहाँ पर। अब आपको लाने के बाद सिंपली क्या करना है, इस एरो पर टैप कर या तो उसको फुल स्क्रीन में करिए, वरना सीजर के बराबर वाले बॉक्स पर क्लिक कीजिए और इस वाइट वाले पर क्लिक कर दीजिए, तो ये ऑटोमेटिक फुल स्क्रीन में हो जाएगी। अब आपको यहाँ से स्क्रॉल करना है आगे को, जहाँ से आपकी वीडियो ख़त्म होती है। जैसे मेरी वीडियो यहाँ से ख़त्म हो रही है, तो यहीं से अपने आपको बैकग्राउंड पर क्लिक कर देना है और यहाँ चले जाना है आपको फिर सीजर में। सीजर में जाने के बाद यहाँ से ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हट कर देना है, जिससे कि आगे का आपका बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसी वीडियो पर क्लिक करना है ग्रीन स्क्रीन वाली पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके राइट साइड में बहुत सारे ऑप्शन खुल गए हैं, तो आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको क्रोमा की का, तो आपको क्रोमा की में चले जाना है और यहाँ एक ऑप्शन आता है अनेबल का, तो सिंपली आपको एक बार इसको यहाँ से अनेबल कर देना है। जैसे ही आप अनेबल करेंगे तो दोस्तों देखिए मेरा ग्रीन स्क्रीन हट गया है। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से राइट कर देना है। अब दोस्तों, आपको अपने नॉर्मल कैमरे से, मोबाइल के से एक वीडियो शूट करनी है, जो आप जैसे भी वीडियो शूट कर सकते हो। अगर आप मेरी तरह करना चाहते हो तो मैं दिखा देता हूँ मैंने अपनी वीडियो कैसे शूट करी है। अब उसको लाने के लिए भी ना सिंपली आपको लेयर में ही जाना है। लेयर पे क्लिक करेंगे, फिर आपको मीडिया में जाना है। फिर दोस्तों, वो वीडियो आपकी जहाँ भी हो आप उस वीडियो को वहाँ से ले लीजिए। तो मैंने अपनी वो वाली वीडियो ले आया हूँ। लाने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, सीजर के बराबर वाले बॉक्स पे टैप करना है एक बार और वाइट वाले पे टैप कर देना है, तो ये ऑटोमेटिक फुल स्क्रीन में हो जाएगी। फुल स्क्रीन में हो जाने के बाद सिंपली आपको यहाँ से राइट कर देना है और फिर इसी वीडियो पर दोबारा क्लिक करना है और यहाँ एक ऑप्शन आता है 3 डॉट का, तो आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है और इस वीडियो को सेंड टू बैक में कर देना है। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से राइट कर अपनी वीडियो एक बार प्ले कर देख लीजिए आप। तो दोस्तों, कुछ मेरी इस प्रकार की वीडियो शूट हुई है। आप मेरे से अच्छी वीडियो बेहतर शूट कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो आप राइट लेफ्ट साइड में देखेंगे एक शेयर का ऑप्शन आ गया है, ये वाला, तो आपको सिंपली एक बार इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट का। जैसे ही आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ लोडिंग लेने लगेगा। जैसे ही ये लोडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी मेमोरी में आपकी वीडियो सेव हो जाएगी।